बहुत याद आई गिरीश की, पूरा रोने लग गया गिरीश। कोई बात नहीं, धीरे धीरे आदत बन जाएगी। हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब एकदम बढ़िया हो गए। पटियाला वाली गुड वाली मॉर्निंग। सुबह सुबह उठ के हम दोनों माँ बेटी ने नहा लिया है। पहले मम्मा ने नहाया था, फिर मेरे नहाने तक मम्मा ने घर का जो मंदिर है हमारा उसमें पूजा पाठ कर लिया है। और अभी हम दोनों माँ बेटी निकल गए हैं मंदिर जाने के लिए। न्यू ईयर से यानी कि कल से स्टार्टिंग की थी, और कोशिश रहेगी कि अभी हम लोग जाए रेगुलर मंदिर। मंदिर जाते जाते अभी ध्यान में आ रहा है कि कल नोबिता पीछे पीछे आ रहा था हमारे यहाँ तक, तो यहाँ पीछे से वापस मुड़ा था। रात में को नोबिता की बड़ी याद आ रही थी, भाई भाभी की बड़ी याद आ रही थी। फिर इतने में भैया का मैसेज आया। मैसेज में लिखा था भैया ने, ओ ये जंप। फिर ने उसको कहा कि मुझे याद आ रही है बहुत ज़्यादा, नोबिता की फ़ोटो भेज दे। तो उसने वॉइस ओवर में नोबिता की आवाज़ भी सुनाई मेरे को वाली। तो अभी रहेगा कुछ दिन, फिर धीरे धीरे सब नॉर्मल सा लगने लगेगा। कि सवेरे 5 बजे उठ जाता था, उठ के अपना नहा धो के पूजा पाठ करना, शाम हो जाना, आग नहीं था मैंने कहा तेरे को ही उठना पड़ेगा फटाफट, नहीं पूजा पाठ करनी है। सही बात है, चले गया तो सुबह सुबह बहुत याद आई गिरीश की। कोई बात नहीं, जहाँ भी बच्चे खुश रहने चाहिए ना, भी सबने अपना कारोबार करना हुआ। तो चलिए यादें प्यारी से साथ में लेके चलते हैं मंदिर। हे नाथ दया करना, हम तेरे सहारे हैं। हेलो हेलो, नमस्ते मम्मा। बच रो बेटा, सदा स्वागत रो। अभी उठे नहीं? मैं नहीं उठी गिरीश, तो उठ गए। अच्छा, वहाँ मंदिर गए थे, मंदिर से आ रहे थे, गेट में आया हो आज आई। अच्छा हाँ, दोनों गए थे मंदिर, अभी आ रहे हैं। अच्छा हाँ, मैं सुबह 5 बजे याद करी, मैंने कहा गिरीश उठ के धूप बत्ती करके शांग बजा के अपना बैठ जाता था। मैं तो 6 बजे उठी, उस बार नहाया धोया, फिर आरती को पानी गर्म किया, फिर दोनों मंदिर जाके अभी आ रहे हैं। और ठीक है, आप बताओ। बढ़िया, फिर रोना शुरू, पूरा रोने लग गया गिरीश। देख लिया मैंने, अभी जस्ट कर ली गए हैं वो लोग, तो थोड़ा टाइम लगेगा धीरे धीरे। मैंने तो गुड मॉर्निंग भी नहीं बोला किसी को, मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। भाभी को बोला, भैया को बोला ही नहीं। कोई बात नहीं, धीरे धीरे आदत बन जाएगी, थोड़ा टाइम लगेगा। मम्मी, आपने मुझे कल ही प्रॉमिस किया है कि आप नहीं रहोगे, अब आप चीटिंग कर रहे हो, देख लो। भगवान जी से शक्ति मांग रही है मम्मी, कह रहे मेरे आंसू बंद कर दो, मेरे बेटे को हिम्मत दो, ऐसा आशीर्वाद मांग रही है। आज मंगलवार है, महावीर का वार है, आज मंगलवार है, महावीर का वार है, सच्चे मन से जो कोई ध्यावे उसका बेड़ा पार है, सच्चे मन से जो कोई ध्यावे उसका बेड़ा पार है। तेरे को ये ढेका रखा था मंजनी, ये नीचे ले लेती है उसको। बचंती गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बचंती। बाहर बहुत तगड़ी ठंड हो रही है, हाथ देखना अभी भी ऐसे कट ही रहे हैं। हाँ जब आए कई कई लगी, मतलब ओस ऐसी गिर रही है ना आसमान से, नीचे ऐसा लग रहा है बारिश ही पड़ रही है, पूरी सड़क भीगी पड़ी है, ऐसा सा सीन हो रहा है अभी। गर्मा गर्म पाले फोटो पाले पाले हाँ पहनती हूँ, यहाँ पे गर्मा गर्म चाय तैयार की जा रही है अभी, ताकि ठंड से थोड़ी सी राहत मिले।
जब मेरी शादी हुई उससे एक महीना पहले पापा घर वापस आ गए थे। उससे पहले पापा की ड्यूटी भी बाहर ही थी। पंजाबी कल्चर में बैंगल सेरेमनी की जाती है, तो मैं वैसे हूँ तो उत्तराखंड से, लेकिन मेरी सारा फ्रेंड सर्कल यहीं का है। तो मेरी सहेलियाँ कहने लगी नहीं हम बैंगल सेरेमनी करेंगे तेरे लिए। तो एक महीना पहले बैंगल सेरेमनी थी और पापा बिन बताए रात को अचानक से सामान वगैरह लेके सब आए बाहर। उसमें मेरा फ्रेंड एक मीत वो भी आ रखा था मेरे लिए बैंगल्स लेके। मुझे याद है मीत ने पापा का सारा सामान अंदर रखा था उस समय पे। तो बड़ी खुशी सी हुई कि पापा का ट्रांसफर यहाँ हो गया। मेरे को बहुत टेंशन थी मेरी शादी से पहले कि मम्मी अकेले कैसे रहेंगी। मैं कुछ को अक्सर यही बोलती थी कि मैं 15 दिन आपके पास वहां रहूंगी तो 15 दिन मैं यहाँ मम्मी के पास रहूंगी क्योंकि मेरी मम्मी घर में अकेली है। तो कुछ ने कभी भी ये नहीं बोला कि नहीं ऐसा नहीं होता है या कुछ भी, ठीक है जैसा आपको सही लगे, वो भी परिवार है ये भी परिवार है दोनों घर संभाल लेंगे कोई बात नहीं टेंशन। मतलब ऐसा ही उनकी वर्डिंग थी शुरू से ही। भोलेनाथ ने ऐसी कृपा की कि पापा आ गए। फिर गिशी मेरी शादी से महीना पहले ही आ गया था ऑलमोस्ट। और मेरा जो छोटा वाला रूम है जहां मैं आजकल सो रही हूँ उसमें इसमें डबल बेड लगा हुआ था, तो अपनी अपनी रजाई में हम लोग सोते थे। हमने इतनी वेब सीरीज साथ में देखी उस टाइम पे और हमने इतनी सारी वीडियोस देखी। मेरी विदाई के टाइम पे गिशी का रोना, रो सभी रहे थे विदाई में, सभी रोते हैं जब भी शादी होती है लड़की की, लेकिन गिशी जिस लेवल का रोया था वो आपने ब्लॉग में देखा भी होगा, विदाई का ब्लॉग शेयर किया था। मतलब सब लोग हटा रहे थे हमें कि हट जाओ हट जाओ। प्यार बड़े भाई के साथ भी है लेकिन ये लगाओ कि बड़े भाई के साथ थोड़ा एज का गैप ज्यादा है, गिशी में से 1 या 1.5 साल ही बड़ा है। तो मतलब ऐसी बॉन्डिंग है ना उसके साथ तो कि क्या ही कह लूं। और वो जब रोता है ना तो अंतरात्मा से ऐसे लगता है कि पता नहीं क्या ही हो रहा है यार, ये बंदा नहीं रोना चाहिए, कुछ हो जाए इस, ये नहीं ये खुश चाहिए बस। तो भी वीडियो कॉल पे बात करते करते फिर वो इमोशनल भी बहुत ज्यादा है, उसकी लुक उसका देखना, देखने से पता लग जाता है कि नहीं भाई अब ये रोएगा, अब ना भी कैमरे से पीछे हट गया कि नहीं भाई बात नहीं हो पाएगी करके। तो भी थोड़ा सा टाइम लगेगा हम सभी को संभलने में, किसी को भी मम्मा को भी। और मेरी पूरी कोशिश है जब तक मैं यहाँ हूँ मम्मा को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करूँ। होता ही है यार, माया ममता है भगवान ने बनाई ऐसी रखी है, माँ चीज ही ऐसी है इमोशनल। और ऊपर से मम्मी की औलाद है, हम मम्मी पे ही गए हैं, हम उससे भी ज्यादा इमोशनल। मेरी शादी के बाद गिशी, तब से मतलब 4 साल हो गए मेरी शादी को, तब से गिशी मेरी शादी से 1 महीने पहले आया जैसे मैंने आपको बताया, तब से यहीं है वो घर पे। कहीं छोटा मोटा काम के लिए कहीं बाहर गया अभी 10-15 दिन के लिए, फिर घर आ गया, फिर घर आ गया, ऐसे इतना लंबा गैप मतलब हुआ नहीं है कभी। तो थोड़ा सा भी धक्का सा लगता ही है, तो हमें तो ऐसे लग रहा है जैसे मेरी बड़ी बहन की विदाई हो ना, मुझे तो ऐसी वाली फीलिंग आ रही है विदाई के बाद जैसा घर होता है ना वैसा फिलहाल हमारा घर हो रखा है। तो कोई नहीं, धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। आप लोग भी दुआ करना कि सब कुछ अच्छा रहे, वहां भाई भाभी का भी मन लगे। और बस नोबिता मजे में है, बाकी सब लोग रो रहे हैं। नोबिता मजे में, वो यहाँ भी मजे में था, वो वहां भी मजे में है। नोबिता मस्त लगा, इंसान को नोबिता के जैसा ही होना चाहिए, जहां जाओ वहीं के रंग में रम जाओ। मम्मा गिशी व्लॉग देखेगा तो फिर उसको और बुरा लगेगा। क्यों? कि रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। हम अगर खुश रहेंगे वीडियो में देखेगा कि खुश है मम्मी, वो अपने आप उसको हिम्मत सी आएगी। अरे हम खुश हैं, मैं तो इतनी खुशी है ना, मेरे बच्चे दोनों इकट्ठे लग गए, मेरे को बहुत खुशी, थोड़ी बहुत तो होता ही है यार। हाँ तो बस अब कंट्रोल करो ना, अब स्ट्रांग बनो, वैसे कब तक होगा, बस खुश खुश रहो तभी सब लोग खुश खुश रहेंगे। आप खुश रहोगे ना, आपसे ही जुड़े हुए हैं सब, आप खुश रहोगे तो सब खुश रहेंगे। बस अपने आप को खुश रखो और हिम्मत दो यार उसको, और वो फिर बेचारा और टूट जाएगा, इतनी मुश्किल से गया वो, है ना। तो हमें तो हिम्मत बनना है ना उसकी, हम उसकी कमजोरी थोड़ा बनेंगे, समझ रहे हो ना बात को। हाँ बस फिर आओ चलो चाय पियेंगे, आओ चेस करो, आओ चेस करो चेस। मम्मी यार फिर वही जैसे तेरी शादी बाद हुआ था मेरे को वैसे हो गया, वैसे ही हो रहा है, मुझे खुद वैसे हो रहा है। मैं कह तो रही हूँ लड़की की विदाई होती है ना उसके बाद घर का माहौल कैसा होता है, लड़की तो चली जाती है। जब पूरा साल हो गया था ना, अब नहीं है मेरे को, अब बिल्कुल टेंशन नहीं है। मैं फोन करूँ ब्लॉग देख लेती हूँ, बात भी नहीं होगी, कोई हुआ नहीं, अब तो मैं बहुत हो गई, कोई नहीं बेटी ने जाना ही है, वो अपने घर में खुश है, ब्लॉग बना रही है, बढ़िया तरह रह रहे हैं। जब तुम्हारा कोई खजर बजर होती है तो दिमाग मेरा पागल हो जाता है। तभी तो आधी से ज्यादा बातें मैं तुम्हें बताती भी नहीं हूँ, टेंशन लोगी करके सब सही है, सब अपने अपने घर में कि मैंने क्या करना, कौन क्या कर लेगा, सही बात है। जो हालात है इंसान को खुद ही झेलने होते हैं, खुद ही निपटाना होता है। तो अपना परिवार भैया शादी के बाद तो खुद से संभालो जितना हो सके, कोशिश यही रहेगी कि भाई माँ बाप को टेंशन मत दो, हर चीज बताई थोड़ी जाती है, सही बात है। कुर्ता अच्छा लग रहा है, खा लो चाय पी लो, होता है चाय पी लो, मेरी मम्मी चाय खा लो कहती है। वो तो हर चीज को ही खा कहती है, पीने वाली चीज को भी, खाने वाली चीज को भी, नाली तो अलग ही हुई।
अच्छा मैं बताऊँ, मेरा कुर्ता सही लग रहा है? अच्छा लग रहा है ये कुर्ता, आज मैंने फर्स्ट टाइम पहना है। फुल उसे भी जो पहले पाया उसे भी अच्छा लग रहा है। ये थोड़ा फिटिंग में है ना, वो लूज हो गया। प्रसाद है, शेक बनाती हूँ आपके लिए। मुझे कल भी प्रसाद में मिला था बनाना और आज भी मिला है। वैसे शेक के लिए हमारा बनाना खत्म भी हो रहा था, तीन तीन हो गए। कल आपको ऑरेंज मिला था ना प्रसाद में, मेरे तीन बनाना हो गए हमारे पास, अब हम शेक बनाएंगे। लीजिए मम्मा शेक। थैंक यू। अब इतना खा के मैं चावल कब खाऊंगी भाई? खा लोगे आप सब कुछ। यहाँ पर ब्लॉग देखा जा रहा है, केक बन रहा है। केक अच्छा बनाता ना मम्मी केक? मैं अच्छा। नोबिता मिस यू सो मच। कल हमने चावल नहीं खाए, जैसे थे जैसे परब खा के गई वही चावल वैसे ही रखे। बस भाभी ने जितने खाए थे उतने ही चावल खाए थे, बाकी सब ऐसे रखे। कल हमने खाया ही नहीं, सुबह पास्ता खाया उसके बाद रात को खाना खाया ना। कल दोपहर में हमने खाना ही नहीं खाया, मन इतना खराब हो रखा था। गुड मॉर्निंग पतिदेव। ट्रेन से उतर गए, पहुंच गए गुजरात? अच्छा भी अहमदाबाद उतरे हो, अब लोगे आगे बस। चलो ठीक है, राजकोट जाना है आपने? चलो ठीक है, ध्यान से जाना, पहुंच के बताना है ना। आप लोग के काफी सारे कमेंट्स आ रहे थे, आप पूछ रहे थे कि जीजू कहाँ जा रहे हैं गुजरात में। तो गुजरात में जोशी जी जा रहे हैं राजकोट। यहाँ पर मम्मा शेक पी रहे, शेक सही बना मम्मा? और यहाँ पर न्यू ईयर सेलिब्रेशन चल रहा है, केक बना रहे हैं भैया। व्लॉग में भैया यहाँ नहीं है, लेकिन व्लॉग 24 घंटे हमारे पास है और हम भैया को देखेंगे डेली की डेली टीवी पर। जैसे मैं होती जब ससुराल तो मम्मा देखते हैं मुझे टीवी पर। और जैसे कि मम्मी ने भी बताया कि ये चावल कल के बस भाभी ने ही खाए थे थोड़े से, उसके बाद ये चावल जो बचे थे सब ऐसे रखे हुए हैं। तो मैं सोच रही हूँ किसी का भी फ्राइड राइस बना लेते हैं नाश्ते में। यहाँ पे प्याज है, टमाटर है और हमारे पास शिमला मिर्च है, सब काट लिया मैंने बारीक बारीक। कढ़ाई में तेल भी रख दिया है। तो चलिए फटाफट से इसको तड़का लगाते हैं, फ्राइड राइस बनाते हैं। एंटरटेन, फ्राइड राइस हो चुके हैं हमारे तैयार और मम्मी टेस्ट करके बताएंगी अभी कि कैसे लग रहे हैं। खुशबू तो बहुत प्यारी प्यारी आ रही है, बहुत स्वाद। ओके रिपोर्ट, बहुत स्वाद। तो अगर चावल बच जाते हैं तो हम इस तरीके से रियूज कर सकते हैं और खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। तो पहले भी नाश्ता कर लो, उसके बाद व्लॉगिंग करूंगी। ओ माई गॉड, मम्मी के हाथ में डायरी और पेन। ये क्या हो रहा है मम्मी? ये गिनती लिख रही हूँ। कभी दूर नहीं लेते हैं, कभी 2 किलो आ गया, कभी किलो आ गया, कभी 1.5 किलो आ गया तो लिख लेते हो आप इसमें? हाँ, उस समय लिख लिया, जैसे जिस दिन नहीं आया कांटा मार देती हूँ। अच्छा, जिस दिन 2 ले लिया तो 2 लिख दिया आगे। मम्मी बिल्कुल भी स्कूल नहीं गई हैं, इनको पेन पकड़ना आता है, इनको काउंटिंग आती है, इनको ओ आता है, इनको ABCD आती है। ऐसी टैलेंटेड मम्मी है किसी के पास? इतनी पाली पाली मम्मी है किसी के पास जितनी पाली पाली मम्मी मेरे पास है? ये है मेरी आज की फुल्लू की कुर्ता, मैंने आपको ब्लॉग में दिखाया था, संडे मार्केट से खरीदा था, आज फर्स्ट टाइम ही वेयर किया है। कैसा लग रहा है बताना जरा। ओए जम, ये हमारी आज की फुल लुक, पूरे पैक होके जा रहे हैं। अभी हम जा रहे हैं थेरेपी के लिए, है ना अम्मा? मम्मी का आज लास्ट डे है थेरेपी का। वैसे कल ही हो जाता लास्ट डे, लेकिन मम्मा कहने लगे कि भाई भाभी ने कल जाना था, तो ये था कि जितना टाइम आपस में स्पेंड कर ले उतना बढ़िया है। तो उस चक्कर में हम लोग कल गए नहीं, कुछ नया साल कहते हैं ना, पता नहीं ये वहम है पता नहीं सच्चाई है। नए साल के दिन जो काम करो पूरा साल वही काम करते हैं, ऐसा हम लोग मानते हैं, सुना है शुरू से वही चीज। हमने कहा फिर अगर आज जाएंगे हॉस्पिटल तो पूरा साल हॉस्पिटल जाएंगे। तो कल मम्मा मनाही कर रहे थे तो हम लोग कल गए नहीं, आज जा रहे हैं थेरेपी के लिए। चले मम्मी? हाँ जी, चलिए जी चलते हैं। ठंड बहुत लगती है भाई स्कूटी पे। चलो वो मैया, रोटी तो आज हमने बनाई ही नहीं, चावल ही बनाए थे। गुड़ ला रहे हैं मम्मा, गुड़। जय हो, जय गो भैया। पीछे आपको दिख रहा होगा कोहरा अभी भी लगा ही हुआ है। स्कूटी निकाल ली है बाहर, पूरे पैक शैक होके जाएंगे। मम्मा घर लॉक कर रहे हैं, अब धीरे धीरे पता लग रहा है ये सामान भूल गए, वो सामान भूल गए, नोबिता का टॉवल भी यहीं रह गया। ये देखो मम्मी के काम देख लो, लॉक लगा के चाबी भी डालने लगी जेब में, तो देख रही है कि स्वेटर ही उल्टा पहन के आई हुई है। ओए जम जम जमा जम जम। अभी अगर चाबी नहीं डालनी होती जेब में तो पता ही नहीं पड़ता ना। चलिए जी, हो गए तैयार हम हॉस्पिटल जाने के लिए। जम हो गई मेरी।
चलो चलिए। अभी दस्ताने पहन रही हूँ मैं, क्योंकि फिर कैमरा ऑन नहीं होता मेरे से। किसी का कमेंट भी आया था कि दीदी अगर आपके दस्ताने से मतलब कि हाथ नहीं ऐसे काम कर रहा फ़ोन पे तो अपना नाक यूज़ कर लिया करो, मैं ऐसे ही करती हूँ करके। मेरे को बड़ी हंसी आई, मैंने कहा यार। हॉस्पिटल पहुँच गए अभी हम, अंदर पेशेंट्स हैं तो थोड़ी देर वेटिंग में बैठना पड़ेगा, उसके बाद आएगी मम्मा की बारी। मम्मा भी चले गए अंदर थेरेपी के लिए, मैं बाहर वेट कर रही हूँ उनका। 5 दिन के लिए बोला था डॉक्टर ने थेरेपी करवाने के लिए, आज लास्ट डे है। तो आप अपनी सेहत में पहले से फ़र्क देख रहे हैं नीता बच्ची? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। पियानो बजा रही हूँ मम्मी, कम खिंच के बात छा गई मम्मी, छा गई। ओ ये झम झम झमा झम झम। सामने मिरर में मैं भी दिख रही हूँ, ये मैं हूँ, ये मेरी मम्मी है, यहाँ पे एक्सरसाइज हो रही है। मम्मा की थेरेपी भी हो चुकी है, एक्सरसाइज भी कर ली है मम्मी ने, और अभी हम लोग जा रहे हैं मम्मी का चश्मा लेने के लिए। आपने लास्ट भैया के व्लॉग में देखा होगा, मम्मी की नज़र चेक करवाई थी मैंने, तो वहाँ पे चश्मा बनाने के लिए दे दिया था मम्मी का। आधी पेमेंट हमने उस दिन दे दी थी, आधी आज देंगे। तो चलो चलते हैं चश्मा लेने। चलो चलिए। चश्मा ले लिया मम्मी का भी, मम्मा ने ट्राई भी कर लिया, साफ दिख रहा है घर है। बाकी आपको पहन के घर जाके दिखाएंगे। तो स्टैंड से स्कूटी उठाते हैं, चलते हैं घर। चारों तरफ बाइक स्कूटीज, हमारी स्कूटी लेके चलते हैं हम भी घर। जाते जाते नारियल ले जा रहे हैं अभी। सभी हॉस्पिटल से घर वापस आए हैं हम। बसंती देखो, बसंती देखो कैसे वेलकम कर लिया माला, बसंती को देखो, बसंती को। दरवाजा खुलेगा हम बाद में जाएंगे, बसंती सबसे पहले भागेगी अंदर। वो देखो बस दरवाजा खुलने का वेट हो रहा है, बस वो भागी। घर आते आते दोपहर के 12 बज गए हैं। ठंड कितनी हो रही है यार मम्मी। अभी मैंने दस्ताने पहने हुए थे फिर भी हाथ मेरे इतने कट ही गए हैं ना। ये रहा मम्मी का नया चश्मा, ओ माय गॉड क्या बात है। उनको बोला था हमने कि थोड़ा चौड़ा वाला बनाना फ्रेम, तो सही लग रहा है अभी। आप लोग बताना मम्मी की फेस पे सूट कर रहा है नहीं कर रहा नया चश्मा। ओए मम्मी टें 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 टें। घर के 12:30 बज रहे हैं अभी। मम्मी और मैं जा रहे हैं हमारे घर के 2 मोड़ आगे, वहाँ पर हर साल ही लंगर लगता है और लंगर की सेवा में जितना जिसका योगदान बनता है सब लोग देते हैं तन मन धन से। तो अभी जिस दिन हम लेकर आए थे राशन, उस मम्मी एक्स्ट्रा चीनी और चाय पत्ती लेकर आए थे वहाँ पर देने के लिए, ये भी वहाँ पर दे के आएंगे, सेवा करेंगे, वहीं पर लंगर छकेंगे है ना मम्मी। तो चलो चलते हैं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। जितने भी जो भी आपको भगवान की मेहर है, जितना भी आप कमा रहे हो उसमें से, जैसे सिख धर्म में कहते हैं कि दसवंध निकालना चाहिए, अपनी कमाई का 10वां हिस्सा देना चाहिए पुण्य के कामों में। तो चलो चलते हैं, हम भी जा रहे हैं, आप भी चलिए हमारे साथ। मम्मा की सहेली भी जा रहे हैं साथ में हमारे। ठंड हो रही है भाई साहब तगड़े वाली। जिनी नाम पे आया नेम शकर प्रकार नानक पे मुख उजरे नते छुटे नार दीपक पानी।
घर वापस आते ही बसंती स्वागत करती हुई नीनू नीनू करके उठली। गुड वाली इवनिंग यूट्यूब फैमिली, लंगर की सेवा करी हमने वहां पे, हमने वहां पे सलाद भी काटा, हमने वहां पे सब्जियां भी काटी, हमने वहां पे प्रसादे भी बनाए, रोटियां पेड़े भी बनाए, बेली भी, बर्तन भी सेवा करी, और मम्मी ने पलटाई भी और बर्तन की भी सेवा करते आए हैं अभी आते आते। और लंगर बहुत टेस्टी बना हुआ था। जहाँ पे बात होती है प्रसाद की ना, वो पता नहीं भगवान की अपने आप ही मेहर होती है, खाना इतना टेस्टी लगता है। तो सब कुछ काफ़ी अच्छा रहा, मौका मिला आज एक बार फिर से सेवा करने का। और अभी शाम के 5:30 हो चुके हैं, हम माँ बेटी जस्ट अभी घर में एंटर हुए हैं। आज पूरा दिन निकल गया ना लंगर की सेवा करते करते, गए भी लेट ना हम, 1 बजे गए, 12:30 बजे गए थे, 12:30 बजे ऐसे घर के अंदर आई, साथ के साथ जोशी जी का कॉल आ गया। जोशी जी पहुंच चुके हैं गुजरात, राजकोट में है उनकी साइड, तो अभी बस उनका काम भी बढ़िया बढ़िया हो जाए, फिर वो आएंगे मुझे लेने के लिए, फिर मुझे जाना पड़ेगा, मुझको जाना पड़ेगा, फिर मम्मी रहेंगी अकेली। आप तेरे गाल लाल लाल क्यों हुए हैं, क्या वो है इसमें, लंगर का रंग चढ़ा है मेरे को, लंगर का रंग। जोशी जी भी कह रहे थे गाल बड़े गुलाबी लग रहे तुम्हारे, मैंने कहा लंगर खा के आई हूँ मैं इसलिए हो रहे हैं। तो ठीक है गाइज, आज की वीडियो, आज का व्लॉग यहीं तक था। कैसा लगा आपको आज का व्लॉग जरूर बताएगा कमेंट्स करके। अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द, आइए आहा आहा।